आज क्या लिया जाए, हम लोग मेरी प्लानिंग ये थी कि जो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो सुमेश और ट्विंकल उसके बारे में हमने बात की थी, हाईकोर्ट से उसको सजा हो गई थी और हाईकोर्ट से सजा होने के बाद हमको सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करनी थी। हाईकोर्ट ने ये दिया था कि वो DNA उसका मैच हो गया था, विटनेस उसको विटनेस बोला था, हाँ DNA बेस पे बोला था और विटनेस से बोला था हमने उन दोनों को झाड़ियों में जाते हुए देखा था, इस बेस पे वो कन्फर्म हो गया था, राइट। तो किसी को केस याद है क्या, ट्विंकल को किसने प्रेजेंट किया था और सुमेश को, सुमेश को किसी ने नहीं किया था, अच्छा अभी वो लोग आए जिन्होंने लास्ट में लेक्चर में उन्होंने सुमेश और ट्विंकल को प्रेजेंट किया था, हु ओनली वन और कौन था ट्विंकल की तरफ से, कौन था सुमेश की तरफ से, कौन था सुमेश की तरफ से, कोई भी नहीं था। अरे बहुत से लोग थे उस दिन यार, एक भी नहीं है, अच्छा ठीक है। लेकिन उस केस को आज हम लोग क्लोज करते हैं, डिस्कशन करते हैं उस पर, क्योंकि वो केस भी चल रहा है ना, उसको डिस्कशन करते हैं। आपका कहना है कि उसका रेप हुआ है और आपका कहना है कि सुमेश ने रेप नहीं किया, राइट। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो अपील के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के आपके ग्राउंड्स क्या हैं, इसके व्हाट इज द ग्राउंड, full of consent, then why?
उस किंकर के पास जाते हैं कि उसने क्यों नहीं बताया, और उसमें ये देखा गया है कि सुमेश ने उसको चाकू से धमकाया था। जब भी उसने उसके साथ में बलात्कार किया था वो टाइम में उसने चाकू यूज किया था, जो बाद में किंकर ने सुमेश के घर से दिखा दिया था कि यही चाकू है, पहचान लिया। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नाइफ वाज मेंशनड एंड इट वाज फाउंड इन द हाउस ऑफ सुमेश। ओके, नाउ ऑन पॉइंट। अब हम इसका थोड़ा दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं कि ट्विंकल की दोस्ती हुई, ठीक है, ट्विंकल की दोस्ती होने के बाद सुमेश के साथ उसका फ्रेंडशिप हुई, फ्रेंडशिप होने के बाद सुमेश के साथ उसका फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप हुआ, डेवलपमेंट होने के बाद उसने पुलिस में कंप्लेन की कि उसने हमारे साथ रेप किया है, बाद में सुमेश को सजा हो जाती है, इट इज़ द केस, ठीक है। अब हम आते हैं प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग में। जो प्लीडिंग हमारे सामने आई थी, क्या वो प्लीडिंग जो ड्राफ्टिंग हमारे सामने आई, जो केस ने जो जजमेंट दिया था, क्या वो परफेक्ट था? हम अगर उसको देखें कि जो केस फाइल की गई थी अगेंस्ट ऑफ सुमेश, उस अगर हम उसका पोस्टमार्टम करें, उस पोस्टमार्टम में हम क्या था, पोस्टमार्टम से मतलब हम आदमी का पोस्टमार्टम नहीं कर रहे, हम उस ड्राफ्ट की पोस्टमार्टम कर रहे। उस ड्राफ्ट में किसी भी पुलिस स्टेशन का नाम नहीं लिखा था, कोई डेट मेंशन नहीं किया गया था, क्या एविडेंस आया, एविडेंस है कहाँ पे, वो कोई मेंशन नहीं किया गया था, चाकू मिला, चाकू का साइज क्या था, कोई मेंशन नहीं किया गया था, किस प्लेस पे गई उस प्लेस का नाम मेंशन नहीं किया गया, जस्ट वो प्लेस पे गई झाड़ियों में गई, प्लेस का कुछ नाम होगा कि नहीं होगा, कुछ तो नाम होगा। तो इस केस में सुमेश के सुप्रीम कोर्ट में जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं केस को लेट नहीं करता, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई ड्राफ्टिंग करोगे, ड्राफ्टिंग करने के बाद कोर्ट के अंदर कोई भी आप प्लीडिंग या अपील या कोई भी कंप्लेंट आप फाइल करोगे, तो फाइल करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वेरी मच क्लियर। सबसे पहले तो आपको ज्यूरिडिक्शन देखना है कि कौन से ज्यूरिडिक्शन में ये हमारा केस जाएगा। उसके बाद जो आपके जो एलिगेशंस हैं, वो एलिगेशंस सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि आप कोर्ट को क्यों अप्रोच कर रहे हैं। सुमेश हैज रेप टू द ट्विंकल, दैट इज वाई वी आर अप्रोचिंग टू द केस। मतलब दो लाइन में आपका ये पॉइंट्स क्लियर हो जाता है कि वाई यू आर अप्रोचिंग टू द कोर्ट। तो व्हाट इज योर ग्राउंड, तो माई ग्राउंड इज एट बिलो एम, फॉलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इट मीन्स योर ड्राफ्टिंग मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर, बिकॉज जज के साहब के पास इतना टाइम नहीं है कि घंटों बैठ के पढ़ेंगे और आपकी बात को वहाँ पे जजमेंट पे सुनेंगे, उनके पास उतना टाइम नहीं है। तो कभी भी हमको ड्राफ्टिंग करनी, तो ड्राफ्टिंग में हमको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अपने ऑफेंस को लिखना है, अपने ग्रीवेंसेस को लिखना है, उससे रिलेटेड हमारे पास एविडेंसेस क्या है वो सारे एविडेंस लिखना है, उसको एनेक्स करना है, उसको नंबरिंग देनी है। अगर केस जीतना है तो इस केस में सुमेश के जीतने के चांसेस क्यों हैं, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर, उस कंप्लेंट के अंदर फैक्ट्स मेंशन तो है लेकिन कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई प्लेस का नाम नहीं है, किस पुलिस चौकी में हुआ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स कौन है, एविडेंस कहाँ पर पड़ा है नहीं मालूम, जो रेप के समय या जो भी झाड़ियों में सेक्स के समय जो कपड़े थे वो कहाँ, कुछ भी मालूम नहीं है, नहीं है ना इसके अंदर। तो इसमें हमको ये हमारे लिए सीखने की है कि जब भी हम कोर्ट के अंदर हम कुछ भी अगर कंप्लेंट फाइल करते हैं तो एक उसका जो फॉर्मेट है उसको हम वो जरूर और ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हमारे पास केस जीतने के लिए हमारे पास 4 पेज ही होता है, हम सालों की मेहनत करते हैं, 4 पेज हो सकता है, 5 पेज, 10 पेज, जो भी हो सकता है, जो भी कंप्लेंट हमने फाइल की है, जो भी अपील फाइल की है, वही तो हमारा ग्राउंड है ना, वही तो हमारा बेस है, उसी बेस के ऊपर आपको जजमेंट मिलने वाली है। अगर उस डॉक्यूमेंट से हमारा क्वालिटी है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने फैक्ट ही मेंशन नहीं किया है, तो हाउ यू बिलीव कि कोर्ट विल डिलीवर द जस्टिस, इट इज नॉट पॉसिबल। और जब आप उसमें प्रे करते हैं, या तो ध्यान रखो लाइफ में कभी भी, जब भी आप कोर्ट में कोई क्लेम, कोई अपील, रिट पिटीशन आप फाइल करते हैं, जो भी ग्राउंड्स आपने उसके अंदर लिया है, जो भी प्रे आपने उसके अंदर लिया है, उसके बाहर आप आर्गुमेंट में नहीं जा सकते, बहुत ही रेयर केसेज होते हैं, पता चला आपने ग्राउंड कुछ और लिया है, कोर्ट से प्रे कुछ और कर रहे हो और आपके प्रिंट में वो मेंशन नहीं है, देन यू विल नॉट गेट द जस्टिस, देन आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, सामने वाली पार्टी भी बोलेंगे बॉस जो आपने लिखा है केवल आप उसकी बात करो, उसके बाहर की बात करो। During the court of during the course of pleading or arguments,
You can, but you have to submit the all the evidences when you are filing the complaint, when you are filing the appeal, not the after the filing the appeal. No, ma'am, no, sir. हमारे पास एक और evidence आप ले लीजिए. Court can consider, but sometime it will not work. Every evidence comes before the court during a trial in the responsibility of a court. He can accept and reject. कोर्ट को ऐसा नहीं कि अगर एविडेंस आया तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई लॉ नहीं है. उसका डिस्कशनरी पावर है कि आपने जो फैक्ट्स हैं आपने प्लेन के अंदर, आपने कंप्लेंट के अंदर आपने मेंशन किया है कि नहीं किया. तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ड्राफ्टिंग ऑल्सो आर्ट. केवल हमारे डिग्री हो जाए हम कोर्ट में आर्गूमेंट कर रहे हैं, इट इज़ नॉट इनफ. मैंने पहले बताया था पर्सनालिटी इज द कंप्लीट पैकेज ऑफ द सो मेनी थिंग्स. हाउ टू prepare your draft, how to frame your sentences, how to make your allegation before the court, how you produce the evidences before the court, how you argue before the court, how you present before the court, before the clients. Whenever all these things come together, then it's the person. केवल आप अच्छा draft करते हो, आप अच्छा argument नहीं कर सकते हो तो आप नहीं जी सकते. आज से लोगों का केस क्या होता है, वो अच्छे से एडवोकेट हैं, वो ड्राफ्टिंग के लिए किसी और को हायर करते हैं कि बॉस मेरा ड्राफ्टिंग करना है, ड्राफ्टिंग करके दे. ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस बॉस. जब हम लोग इधर इधर आ जाओ, हेलो, जब हम कोई भी कोर्ट में केस आता है तब बहुत से एडवोकेट क्या करते हैं, वो किसी ड्राफ्टर को ड्राफ्टिंग करने के लिए देते हैं केस अपना, कि ये मेरा केस है ये ड्राफ्ट करके आप मुझे दे दो. ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऑफकोर्स होता है. तो तुम ये इमेजिन करो, केस की स्टडी हमने की है, सारा लॉ हमको मालूम है, इन आप हमको मालूम है, और हम थर्ड पर्सन को ड्राफ्टिंग के लिए दे रहे हैं, तो क्या जस्टिस कर सकता है क्या? आप कुछ नहीं कर सकते हो. तुम कितना भी उसको करो, ये चेंजेस करके लाओ, वो चेंजेस करके लाओ, ये चेंजेस करके लाओ, तो भी वो नहीं कर पाए. और बहुत बार क्या होता है कि बहुत से एडवोकेट्स केस फाइल करते हैं लेकिन आर्गूमेंट खुद नहीं करते, किसी और को बुलाते हैं एज ए काउंसिल, एज ए सीनियर एडवोकेट. ये रेगुलर प्रैक्टिस है. ऐसा होता है कि नहीं होता? ऑफकोर्स होता है. सपोज तुमने सारे केस पे काम किया, ड्राफ्टिंग किया, ए और डेट मालूम है, तुमने सालों साल काम किया, और 10 महीने के लिए काउंसिल आके क्या उस केस को उतना रिप्रेजेंट कर सकता है जितना तुमने 2 साल में किया है? इसे पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है या नहीं है? नहीं पॉसिबल है. फिर भी हम उसको लाखों रुपये फीस देते हैं 5 मिनट की, जिस पे हमने 2 साल काम किया है, हम खुद आर्गूमेंट नहीं करते हैं, हम उनको बुला के करते हैं. इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है. हम ड्राफ्टिंग अच्छा कर पा रहे हैं तो हम आर्गूमेंट सही नहीं कर पा रहे हैं, आर्गूमेंट कर पा रहे हैं तो वो ड्राफ्टिंग नहीं आती है. हमको बोलना भी आता है लेकिन कोर्ट के सामने जाने के बाद हमारे मन के अंदर बहुत सी हेजिटेशन रहती है कि कोर्ट के सामने कैसे प्रेजेंट करें, राइट? तो ये सारी चीज़ें भी हमको इस मूड कोर्ट में हमको डेवलप करती है. मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट पैकेज के साथ आओ. कंप्लीट पैकेज मीन्स कंप्लीट पैकेज. एडवोकेट हो, ड्राफ्टिंग भी आनी चाहिए, आर्गूमेंट भी आना चाहिए, एविडेंस भी आनी चाहिए, कोर्ट के सामने भी जाना चाहिए, पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट पूरी कॉन्फिडेंस के साथ होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए ताकि जब यहाँ से सीखने के बाद जाओ, जब बाहर जाओ तो यू द क्या बोलते हैं उसको, अगर मान लो किसी को वॉरियर और उसको युद्ध के मैदान में विदाउट आर्म्स भेज दिया जाए, क्या होगा उसका? नहीं टिक पाएगा. उसको एक्स्ट्रा बंदूक भी दी जाती है, एक्स्ट्रा गोली भी दी जाती है, जरूरत पड़ जाए मिसाइल भी लेके जाओ, बंदूक से आम नहीं चलेगा तो मिसाइल भी वहाँ पर जाके खाएंगे. तो ये जितने हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हमारे सारे वेपन्स हैं, और लॉ हमारा इंस्ट्रूमेंट है, लॉ हमारा वर्डिक्ट नहीं है. लॉ को हम इस्तेमाल करते हैं वर्डिक्ट के लिए. यू मस्ट बी इक्विप्ड विद ऑल द ऑलर्स. तो कभी भी लाइफ में ऐसा अपने बारे में मत सोचो कि मैं अच्छा ड्राफ्ट कर सकता हूँ, अच्छा आर्गूमेंट कर सकता हूँ, मैं अच्छा दिख सकता हूँ या अच्छा दिख सकती हूँ, या मैं कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ. दिस स्टेटमेंट मस्ट नॉट बी देयर. ऑलवेज देयर कि मैं ड्राफ्टिंग भी अच्छा करती हूँ, ड्राफ्ट भी अच्छा करता हूँ, आर्गूमेंट भी अच्छा कर सकता हूँ, कोर्ट के सामने मैं खड़ा भी हो सकता हूँ. ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर होनी ही चाहिए. इस मैंडेटरी एक बेस्ट अगर एडवोकेट बनना है तो, अगर नहीं बनना है तो फिर यहाँ से पास आउट होकर जाओ, किसी ड्राफ्ट कराओ, किसी आर्गूमेंट कराओ, बीच का कमीशन खाओ, वही हो जाए.
अब कौन सी लाइफ तुम्हें जीनी है, किस तरह अपने अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू लर्न कि हाउ टू डेवलप योरसेल्फ। यहाँ पे क्या तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है, कैसे बात करें, कैसे लिखें, कैसे प्रेजेंट करें, कोर्ट में कैसे जाए, यहाँ पे यू कैन आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, राइट। तो इन फ्यूचर कभी भी ऐसी तरह की जिनमें बातें हो, यू रेज द क्वेश्चन, रेज योर वॉइस, कुछ भी विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट। ठीक है, आज का सेशन खत्म करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सेशन में मैं अपडेट करूँगा किस के साथ मिलेंगे। एनी क्वेश्चन आज के बारे में कुछ?